बात मैं से जानना चाहेंगे कि पांच पॉलिटिकल पार्टी और दस संगठन आज देश में ये सब लोग कि हम जो है कभी भी आने वाले इस देश के अंदर सामाजिक राजनीतिक बगैर लोग के बगैर देश के बगैर अपनी राजनीति चमकाने के निस्वार्थ भाव से बहुजन समाज के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए देश को सत्ता स्थापित करने के लिए और देश के अंदर दोबारा से इतिहास और संस्कृति बनाने के लिए और कहीं पर भी जो क्रांति आंदोलन खत्म हो गया उसको दोबारा जिंदा करने के लिए जहां पर भी आप सबकी जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए तैयार हैं। कभी कभी एक दूसरे धोखा नहीं करेंगे, कभी हटेंगे नहीं, बेशर्त कि वो आदमी ईमानदारी से ले। ये सच्चाई है, ये सही है। बेशर्त कि वो आदमी धोखा ना दे, बेशर्त कि वो आदमी आप तथ्य कहीं पे जीत ना करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग आज बाबा साहब का नाम लेके भारतीय संविधान की प्रतिज्ञा के अनुसार आप एक ऐलान करें, एक आप ऐलान करें, आप इसे एक आपको बोल दीजिए कि हम सब साथ हैं और आप सब साथ बोल के मीडिया को मैसेज दीजिए आप सब साथ हैं। मैं सब साथ हूं, हम सब एक हैं। हम एक हैं कि जब तक हम जीवित हैं हम सब लोग बहुजन मिशन के लिए काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से मिलकर काम करेंगे। आप प्रण लेते हैं कि बाबा साहब के मिशन को सब मिलकर ईमानदारी से पूरे देश में फैलाएंगे और आपस में बिना किसी द्वेष के हम इस मिशन को पूरे देश में फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर प्रण लेते हैं कि बाबा साहब के मिशन को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और अपनी सत्ता वापस लेकर आएंगे। मिशन और मूवमेंट के लिए प्रण में कभी ब्रेक नहीं आता, हम तो बचपन से ही प्रण लेके इस सिस्टम में चल रहे हैं। आज प्रण नया नहीं है, आज जो हमारे साथी आज प्रण लेना चाहते हैं या जिन्होंने लिया है अब उनके भी साथ हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रतिज्ञा बचपन से हम तो जिस दिन तैयार होते हैं ट्रेन जब मार के ट्रेन में होते हैं तभी ये मिशन और प्रतिज्ञा शुरू हो जाती है। हमारी प्रतिज्ञा आज के दिन नहीं है, हम जिस दिन ट्रेन में थे जब से संघर्ष शुरू होता है और आज से वो आज नारा चल रहा है आज भी उसका समर्थन करते हैं। दोहरा हूँ कि बाबा अम्बेडकर साहब के मिशन को हम एकजुट होकर के आगे बढ़ाएंगे और संविधान को जिंदा रखने के लिए अपने बहुजन समाज की मान मर्यादा मान सम्मान को हमेशा जिंदा रखेंगे और उसके अधिकारों का आनंद नहीं होने देंगे। जय भीम।